एक कोर्स की फीस में तीन कोर्स, बिल्कुल सही। आज ही ज्वाइन करें सरस्वती कोचिंग कंप्यूटर क्लास। BCA, PGDCA और CPCT कोर्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से संबंधित सरस्वती कोचिंग कंप्यूटर सेंटर। हमारा पता है बिहारी जी मंदिर, वार्ड नंबर 5, बक्सवाहा। हमें संपर्क करें 8770614601। नमस्कार, आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋचा दुबे। आज की खबरों में शुरुआत करते हैं इस खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूं राजू दुबे। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि जो मौसम बदला है, जिसके बाद खासे लोग बीमार हो रहे हैं, मरीज हॉस्पिटलों में बढ़ रहे हैं, जिनको लेके हम सीधे पहुँचे हैं बक्सवाहा के जो BMO हैं ललित उपाध्याय जी, उनके पास की आखिर लोगों के जो सेहत है उसको लेके कि लोग क्या करें और क्या ना करें ताकि बीमार कम हो। और ऐसे मौसम में, चूँकि जैसे जब अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो वैसे में वो क्या करें। जी सर, स्वागत है आपका। मैं लेकर धन्यवाद MPCG न्यूज़ का, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि क्षेत्रवासियों के लिए इस प्रकार के आप लोग प्रोग्राम तैयार करने के सोच विचार कर रहे हैं। ये क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत हित में है। चूँकि अभी बड़ा समय से ये देखा जा रहा है कि मौसम बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, कभी धूप हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी बारिश हो रही है, इस वजह से अभी लोगों में बहुत ज़्यादा वायरल फीवर फैल रहा है। सबसे ज़्यादा इसमें ज़्यादातर देखा जा रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावित हो रहे हैं। चूँकि थोड़ा भी मौसम परिवर्तित होता है तो इसी का इफेक्ट बच्चों के ऊपर जाता है। कई बच्चे निमोनिया से भी ग्रसित हो रहे हैं, देखते हैं अपन, उनसे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। सर्दी खांसी के भी बहुत सारे मरीज पड़ रहे हैं। तो लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि इस मौसम में खासतौर पर बच्चों का बचाव करें। यदि ठंडा मौसम हो रहा है तो उनके लिए गर्म कपड़े और बाहर मौसम में ना लेके जाएं, उनको ज़्यादा ठंडा गर्मी से थोड़ा सा दूर से बचा के रखें। कई बच्चों का ये भी देखा जाता है कि कई माँ बाप ऐसे हैं कि उनके लिए बाहर के चिप्स, कुरकुरे, ये बाहर की चीज़ें अगर खिलाते हैं, जिसकी वजह से डायरिया के केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि साफ पानी पिएं, मौसम को देखते हुए खाना पीने में अपनी सावधानी ज़्यादा बरतें, और मौसम के बचाव के लिए अपन को ये है कि साफ पानी ज़्यादा उपलब्ध करें, ज़्यादा हो तो उबला पानी पीना स्टार्ट करें। और यदि किसी भी आपको बच्चे के लिए या वृद्ध व्यक्तियों के लिए ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या किसी वृद्धजनों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो आप तुरंत अपने निकटतम अस्पताल में डॉक्टर्स के लिए ज़रूर दिखाएँ। यही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। सर, खाना पीने से याद आया कि लोग ऐसा इस चूँकि मौसम में खास तौर से खाने पीने से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो क्या क्या किन किन चीज़ों से वो बचें या परहेज करें। चूँकि क्या होता है, लोग या बच्चे बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं, जो एक टीनएज देखी जाती है बाहर की, चाट, समोसे, फुल्की, चूँकि उनमें उतना प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, तो उस वही गंदा पानी भी उपयोग हो सकता है। नल का पानी है, हैंडपम्प का पानी है, कुएँ का पानी है, जो भी छोटा स्तर है, यहाँ पे हर कोई आरओ का पानी उपलब्ध नहीं करा सकता है। तो अपन को कोशिश ये करना है कि भाई घर बाहर की चीज़ें खाना आप अवॉइड करें, और घर पे आप चीज़ें अभी इस मौसम में खासतौर पे घर पे साफ सुथरी चीज़ें हैं, साफ़ सुथरा पानी है, पानी उबाल के पिए या क्लोरीन मिक्स करके पिए, तो इस तरीके से आपको अपने बचाव करना होगा। इसे हमारे साथ डॉक्टर ललित उपाध्याय जी, ऐसे ही हम जो आपके सवाल रहेंगे उनको लेके फिर आते रहें इनके पास, और जो टिप्स हैं इनसे स्वास्थ्य को लेते रहें।